नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का खिताब भारत वापस लाने वाली देश की बेटी मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर का दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। इस मौके पर मानुषी ने अपने पेशे, पद्मावती विवाद और खाप पंचायत समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। आइए दिखाते हैं मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के दिल की बात अपनी इस खास पेशकश में। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने के बाद पहली बार मानुषी छिल्लर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। खाप पंचायत से लेकर दूसरे मुद्दों पर भी मानुषी ने खुलकर बात की। आई थिंक when women from your community, when people from your community do well, then it is a very big encouragement for all the girls. And especially in a place like Haryana, which where people presume that women are looked down upon, but now the map is changing. And if you see the achievers from my state, maximum are women. And I'm happy that people in Haryana are looking differently at their women now. And definitely there was not much participation towards beauty pageants from my state, but now the map is changing and I'm happy that girls will be coming up. हरियाणा की ये बेटी आज अपनी काबिलियत के बल पर पूरी दुनिया की बेटी बन चुकी है। भारत को पिछले 17 साल से इस खिताब का इंतजार था और उस सपने को पूरा किया झज्जर की रहने वाली मानुषी छिल्लर ने। मंगलवार सुबह मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद मानुषी पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। मानुषी को देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मानुषी का बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच मानुषी मीडिया से भी रूबरू हुई, जहां अपने पेशे और खाप पंचायत से लेकर अन्य मुद्दों पर भी मानुषी खुलकर बोली। फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे विवाद पर भी मानुषी ने साफ तौर पर कहा कि भारत की महिलाएं हमेशा ही चुनौतियों का सामना करती हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करती हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बनने के बाद भी, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व कराने के बाद भी, छिल्लर आज भी जमीन से जुड़ी हुई नजर आई और महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात करती दिखी। तो वहीं मानुषी ने हरियाणा की खाप पंचायतों के बारे में कहा कि उन्हें खुशी है कि खाप अपनी सोच बदल रही है। उनकी जीत पर जश्न मनाने का फैसला भी एक बदलाव का ही संकेत है। अगर एक कम्युनिटी है, वहाँ की लड़कियाँ अगर अच्छा करती हैं, सो पीपल वुड वांट टू हैव मोर डॉटर्स एंड पीपल लुक अप टू देम। सो व्हेन यू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स, देन डेफिनेटली इट डज हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर कम्युनिटी। तो वहीं खबरें आई कि मानुषी को बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर भी आए हैं। जब इससे जुड़ा सवाल मानुषी से पूछा गया तो उन्होंने आमिर खान के साथ काम करने की इच्छा जताई। I would like to work in an Aamir Khan movie because I think that the kind of roles they do are very interesting and they're very challenging as well. And his movies really connect to the society in a very positive way. मानुषी के लिए उनकी माँ उनकी प्रेरणा है और महिलाओं के हित के लिए लगातार काम उनका जारी रहेगा। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्हें अपने अभियान को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। Well, my first role model was my mom. And she's always been there around me. We've lived each dream together. And the way she's balanced everything, I think I've always really wanted to be like her. But growing up, I've seen so many strong women. And one of the Miss Worlds that I've always looked up to is Dr. Rita Faria. She was the first Asian to win the Miss World crown. And what I really like about her is that she followed her passion. I might be a little biased towards her because she's a doctor. But I like the fact that irrespective of how many offers she got, but she truly felt that she wanted to become a gynecologist, and today she's a doctor in Dublin. बहरहाल जितनी खूबसूरत मानुषी दिखती है उतना ही खूबसूरत उनका दिल भी है। एक डॉक्टर और विश्व सुंदरी होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है और इस दुनिया को और खूबसूरत और सभी के रहने लायक बनाने के लिए आगे भी काम करती रहेंगी। कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में ये मायने नहीं रखता कि आप किस देश से हैं या आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, वहां ये देखा जाता है कि आपका मन और आपका दिल कितना खूबसूरत है।
इस खूबसूरत चेहरे और दिल वाली सुंदरी के माता पिता अपनी बेटी की कामयाबी से कितने खुश हैं, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। मानुषी छिल्लर जो है स्वदेश लौट चुके हैं और इस वक्त उनकी जो फैमिली है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सो मैम, कैसा फील कर रही हैं, आपकी बेटी 17 साल बाद इतना बड़ा ताज लेकर आई हैं, कैसा? आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट, शी हैज नॉट ओनली मेड मी प्राउड बट ऑल मदर्स एंड द एंटायर नेशन प्राउड। सो व्हाट अ लाइक व्हाट एल्स कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉटर लाइक दिस एट दिस एज। सो आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड फील ब्लेस्ड। बिल्कुल, जब उनका नाम अनाउंस किया आप लोग वहीं मौजूद थे, क्या इस वक्त दिल में चल रहा था, किस तरह की फीलिंग थी? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आगे जा रहा था और एक एक करके फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, देन टॉप 10, फिर टॉप 5, जब टॉप 5 में मानुषी आई तब पिता होने के नाते मेरी डेफिनेटली उम्मीद बहुत बढ़ गई अपनी बेटी से। और जैसे ही उसका नाम अनाउंस हुआ तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए माइंड ब्लैंक हो गया कि मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए। फिर जब मैंने चारों तरफ सुना इंडिया, इंडिया के नाम से, हमारे देश के नाम से ही हॉल गूंज उठा था बेसिकली, तो खुशी से पहले मुझे फक्र की फीलिंग आई अपने देश के ऊपर। और मानुषी की जो बड़ी बहन है वो साथ में है हमारी, सो एक बहन जो है अपनी बहन से जो है हर बात शेयर करती है, सो मानुषी से लास्ट टाइम जो बात हुई क्या शेयर किया कॉम्पिटिशन को लेकर? कॉम्पिटिशन को लेकर शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर मिस वर्ल्ड, तो आई थिंक अपना प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इश यूज टू शेयर एंड अदर देन दैट आई थिंक जस्ट हम थोड़ा इनकरेज कर देते थे उसको एंड कभी ऐसा उसे लगा, कभी उसे कुछ डर सा, कभी उसने ऐसा शेयर किया आपसे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, शी वॉज स्केर्ड एनी टाइम बिकॉज शी इज ऑलवेज बीन वेरी हार्ड वर्किंग, तो आई थिंक शी वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द प्रेपरेशन, बट ऐसे कभी स्केर्ड आई डोंट रिमेंबर दैट शी वॉज, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, आई जस्ट रिमेंबर हर इन दैट फेज। अच्छा, जो भाई होते हैं वो तो बहुत से प्रैंक्स खेलते हैं सिस्टर के साथ, ताजपोशी होने के बाद जब विनिंग वो अनाउंस हो गया कि वो जीत गई हैं, कोई प्रैंक कुछ उसके साथ किया? उसके बाद मैंने उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी मेरे पास, तो फिर मैंने कोई प्रैंक प्ले नहीं किया। अच्छा। तो बस, तो मैं शो से थोड़ा नॉर्मल एक्ट करता हूँ इस बार, तो शी ऑलवेज कॉल्स मी अ मंकी एंड अ एलियन बिकॉज आई एम आप क्या बोलते थे उन्हें? आई यूज टू कॉल अ मोटी। सो अब मोटी के लिए अब क्या मैसेज क्या बोलोगे सिस्टर को? जस्ट गो ऑन, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप अभी, जस्ट मूव ऑन, डू द सेम थिंग यू ऑलवेज डू। बिल्कुल, वाकई में इसे बेहद गर्व की बात कह सकते हैं। तो सर, अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसा आप सबने महसूस कर ही लिया होगा, मैंने अपने बच्चों ना सिर्फ मानुषी के लिए, मेरी बड़ी बेटी देवांगना और बेटा डालमित्र, सब डिसीजंस यूजली हम सब डिसाइड करते हैं बच्चों पे ही छोड़ देते हैं, और इनसे ये पूछते हैं कि बच्चों हमें क्या सपोर्ट चाहिए आपको पेरेंट्स की, वो हमें बता दीजिए। तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा जिम्मेवारी महसूस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, सिर्फ ना सिर्फ मैं ही, मैं तो ये चाहूँगा कि सारा देश, हमारा सारा समाज इसकी इसको सपोर्ट करें आगे जाने के लिए। एक माँ की महत्वता तो यहाँ मानुषी ने कहे पूरी दुनिया को ही बता दी है, अब आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस बेटी को? हम मतलब इसको, बेटी ने मतलब इतना कुछ दिया है हमें, तो हम इसके मतलब ऑल माई ब्लेसिंग्स आर विद हर नाउ एंड आई विश हर गुड लक एंड वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू अचीव इन लाइफ वी आर डेफिनेटली देयर टू सपोर्ट हर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो यहाँ आपको बता दें कि मानुषी छिल्लर के माता पिता यहाँ मौजूद थे जब खुद मानुषी स्वदेश लौटी। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज, गुड़गांव। मानुषी ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि एक डॉक्टर और मिस वर्ल्ड होने के नाते आपका उद्देश्य समान ही होता है, और ये दोनों होने के नाते आप दुनिया को एक ऐसी खूबसूरत जगह बनाना चाहते हैं जहां सब रह सके। आइए सुनते हैं मानुषी के दिल की बात। आई वुड लाइक टू वर्क इन एन आमिर खान मूवी बिकॉज आई थिंक दैट द काइंड ऑफ रोल्स दे डू आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे वेरी चैलेंजिंग एज वेल, एंड हिज मूवी इज रियली कनेक्टेड टू द सोसाइटी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। I think when women from your community, when people from your community do well, then it is a very big encouragement for all the girls. And especially in a place like Haryana, which where people presume that women are looked down upon, but now the map is changing. And if you see the achievers from my state, maximum are women. And I'm happy that people in Haryana are looking differently at their women now. And definitely there was not much participation towards beauty pageants.
from my state, but now the map is changing and I'm happy that girls will be coming up. I think I'm still the same. I mean, if you look at me in college, I think I still am in those specs, and that video is 2 years back when I had just given my entrance exam, and that was a video I had taken out for the next batch because I was the physics topper from my batch, and to encourage them on how to go about the studies because medical entrance is very demanding. And I'm happy that video is out because I'd really like students to look at that video and realize that it's not about working hard, it's about working smart when you prepare for an entrance. And well, that's how you look when you study 24 hours for 2 years. Well, there's not, of course, there's a lot of grooming that you require, but it's more about being yourself. And the entire training process, right from entering the Miss India pageant and then preparing for Miss World after winning the Miss India pageant, it's all about self-discovery. And all the training that you have, yes, you do have makeup classes, you have ramp walk classes, you have a lot of grooming classes, but at the same time, there's a lot of personality development classes. And it's all about discovering yourself and being able to present the best version of yourself at an international platform. After winning Miss India, I was able to collaborate with a local manufacturer of sanitary pads and Walmart India. So we touched 20 village communities and across north of India. But now I know that since I have the Miss World organization supporting me, I can actually take it to the next level. I can not only broaden my reach, but also help them, provide them with a better system, maybe sanitary pads which are even lower in cost. And not only my country, but there were similar projects from Nepal and Zimbabwe as well. So hopefully we'll be able to reach out to other countries also. Well, my first role model was my mom, and she's always been there around me. We've lived each dream together. And the way she balanced everything, I think I've always really wanted to be like her. But growing up, I've seen so many strong women. And one of the Miss Worlds that I've always looked up to is Dr. Rita Faria. She was the first Asian to bring to win the Miss World crown. And what I really like about her is that she followed her passion. I might be a little biased towards her because she's a doctor. But I like the fact that irrespective of how many offers she got, but she truly felt that she wanted to become a gynecologist, and today she's a doctor in Dublin. I think being a medical student in health and hygiene, because today technology and research has gone on another level, and as doctors we can do a lot more, but still a large population of our country is deprived of those basic facilities. So I think if there's one change I can do, then I would like for everyone to be provided for with basic health facilities and hygiene. Well, I think the first thing that I realized after I entered this whole journey that got me to Miss World, the first thing was that, you know, there's a lot of contentment and happiness in knowing that you've actually brought a positive change around. And that feeling is the best feeling in the world. So that was the first realization that I had. And I realized that as a doctor and as a Miss World, your purpose in life is the same. You just want to make lives for others more comfortable. So I'm happy that through Miss World, I'll be able to learn so much and apply that when I become a doctor. Agar ek community hai, wahan ki ladkiyan agar achha karti hai, so people would want to have more daughters and people look up to them. So when you set an example for others, then definitely it does have a huge impact on your community. Mujhe lagta hai ki it's not just about cure, it's about prevention as well. And education ek aisa tool hai jisse hum logon ki soch badal sakte hain. Former president of South Africa said that education is the most powerful weapon that you can use to shape the future of a child. So I think through education, not only about schools but in your families, when people do not treat you differently because of your gender, you realize that we're all equal, and that can actually really help prevent a lot of crimes against women. Ji bilkul, I'm one girl and I'm trying to bring a change step by step. So firstly, my project for menstrual hygiene is about empowering girls as well, because once females feel that there's nothing wrong with their bodies, they feel confident about themselves. So that is one step that I have taken, and I would keep taking steps like these, small steps to achieve a bigger goal like you have. Well, I think already change aa chuka hai, jaise ki aapne agar padha hoga to Haryana mein already ek pratha hai jahan pe they use gunfire during weddings to show male dominance,
and I'm happy that after my win it has been abolished from my community. So badlav already aa raha hai and the whole India is noticing it. And मुझे ऑलरेडी बहुत सम्मान मिल रहा है, मुझे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मुझे खुशी है कि सबने इतना प्यार दिया है मुझे. एवरी वन हैज़ ब्लेस्ड मी एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी एंड द काइंड ऑफ रिकग्निशन आई एम गेटिंग. आई फील दैट वट एवर आई वॉन्ट टू डू नाउ, फॉर एग्जाम्पल माई प्रोजेक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज गेटिंग सो मच ऑफ रिकग्निशन. सो आई एम ऑलरेडी गेटिंग सो मच फ्रॉम माई स्टेट. वेल इफ यू सीन स्पाइडरमैन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. But, well, I love what I'm doing and yes, there is a lot of responsibility, but I think I'm going to enjoy it. So I'm not really feeling the pressure. Jeetne ke baad definitely bahut zyada celebration hua because my family was right there. I had the Miss India team come up and everyone was so happy. So it took a lot of time to sink in and I was feeling so ecstatic that I could give this moment to everyone. एंड एक हफ्ते से सेलिब्रेशंस ही चल रहे हैं और मुझे पता है कि अभी एक महीने तक चलने वाले हैं बिकॉज वी इंडियंस लव टू सेलिब्रेट एंड डेफिनेटली आई थिंक दिस इज वन जर्नी आई एम गोइंग टू रियली एंजॉय. मैं सिर्फ मम्मा के हाथ का राजमा चावल खाना चाहती हूँ क्योंकि 40 दिन हो गए हैं मैं घर से दूर रही हूँ और आई हैव अ स्वीट टूथ सो आई वुडंट से आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन माई डाइट. अगर आपने मेरी दो साल पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि बचपन से ग्रूमिंग नहीं हो रही थी बट मिस इंडिया जीतने के बाद समझ आया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से ग्रूमिंग की जरूरत है और पूरी टीम ने मेरी बहुत मदद करी है. वी हैव अ होल सेट ऑफ पैनलिस्ट्स हू वर्क्ड ऑन मी एंड फॉर 3.5 मंथ्स वी वर्क डे एंड नाइट. दे वर्क टू ग्रूम मी फॉर द पेजेंट एंड I think a big thank you to the whole team. Health of a mother is the health of the society because if she's healthy, she can keep her children, her family healthy. And I'm happy that I grew up in a family where my parents gave health and nutrition a lot of importance. In fact, my parents run an NGO where they provide nutrition supplements to more than 500 women. And as a medical student, it is absolutely necessary to bring light upon the nutrition of women because in India maximum cases of anemia are there. Main sach batau to because I never had to like sit my parents down and tell them this is what I want to do. They just understood it and it just all happened in a flow. I always knew that I wanted to do Miss World but maine kabhi aise nahi plan kara tha ki is tarah se hoga, is saal mein main jaungi. It just happened. I was there in Chandigarh. The auditions were happening. My parents were very excited about it, and I'm really glad that the way it all turned out. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. देश की बेटी मानुषी छिल्लर के सिर विश्व सुंदरी का ताज सजा. इस कामयाबी से न सिर्फ मानुषी का बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर देश का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि कौन है मानुषी छिल्लर और क्या है मानुषी छिल्लर के विश्व सुंदरी बनने की अभी तक की कहानी. भारत की सुंदरता ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है. भारत की सुंदरता ने यह साबित कर दिया कि बात चाहे तन की हो या मन की, हमसे सुंदर कोई नहीं. जी हाँ, भारत की बेटी मानुषी छिल्लर के सिर विश्व सुंदरी का ताज सजा है, या यूं कहें कि भारत के सिर ये खूबसूरत और अहम ताज सजा है. विश्व सुंदरी की दौड़ में शामिल मानुषी की दुनिया न सिर्फ सुंदरता की कायल हुई बल्कि मानुषी के मन की सुंदरता ने भी दुनिया को मानुषी का कायल बना दिया. प्रतियोगिता बेहद अहम थी. विश्व सुंदरी के चयन के लिए चीन के सानिया शहर एरिना में आयोजित समारोह में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई 108 सुंदरियों को पछाड़कर मानुषी छिल्लर ने ये खिताब अपने नाम किया है. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मानुषी के विजेता बनने की घोषणा की गई. ट्वीट में कहा गया, मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता मिस इंडिया मानुषी छिल्लर हैं। चीन के सानिया शहर में इस कंपटीशन के दौरान मानुषी का पूरा परिवार मौजूद था. मानुषी इंग्लैंड, फ्रांस, कीनिया और मैक्सिको की प्रतिभागियों के साथ आखिरी 5 दावेदारों में शामिल हुई. प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर मिस इंग्लैंड स्टेफनी हिल और दूसरे स्थान पर मिस मैक्सिको आंद्रिया मेजा रही. पिछले साल की मिस वर्ल्ड स्टेफनी डेल वेले ने
मानुषी को विश्व सुंदरी का ताज पहनाया। 17 साल बाद किसी भारतीय लड़की ने दुनिया भर की 108 सुंदरियों को पछाड़ कर खिताब अपने नाम किया है। मानुषी अपनी खूबसूरत और दिलकश अदाओं के दम पर मिस फोटोजेनिक का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। विश्व सुंदरी को मिला परिवार का साथ। मानुषी छिल्लर रोहतक की कमल कॉलोनी निवासी डॉक्टर मित्र वसु छिल्लर की बेटी हैं। मानुषी के पिता मित्र वसु पेशे से डॉक्टर हैं और दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मानुषी की मां नीलम दिल्ली के इबहास कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर दंपत्ति की बेटी मानुषी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के संत थॉमस कॉलेज में हुई। इसके बाद मानुषी ने भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन सोनीपत में अपनी पढ़ाई की। वहीं उनकी बहन वकालत की पढ़ाई कर रही हैं और छोटा भाई अभी स्कूल में है। मानुषी छिल्लर की फैमिली फिलहाल दिल्ली के तिमारपुर इलाके में रहती हैं। लगभग 15 से 20 साल पहले मानुषी के परिवार को नौकरी के चक्कर में अपना गांव छोड़ना पड़ा था। मिस वर्ल्ड बनना मानुषी के बचपन का सपना था। एक इंटरव्यू में मानुषी ने कहा था, बचपन में मैं हमेशा से इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहती थी और मुझे ये कभी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। अब मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना केवल मेरा ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली और दोस्तों का भी सपना बन गया था। आपको ये भी बता दें कि कुचिपुड़ी डांसर मानुषी को पंजा लड़ाना पसंद है। मानुषी छिल्लर फिटनेस फ्रीक हैं और जिम में जमकर वर्कआउट करती हैं। मानुषी शुरुआत से ही पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी मानुषी अपनी खूबसूरती के दम पर एक सुपर मॉडल बन गईं। मानुषी मिस हरियाणा भी रह चुकी हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।